गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम अध्ययन कर रहे थे, भारत के प्राकृतिक विभाग का अध्ययन कर रहे थे, भारत के प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे। और इसके अध्ययन के क्रम में हमने हिमालय के बारे में देखा था, हिमालय के बाद फिर हमने गंगा के मैदान, सॉरी उत्तर के विशाल मैदान के बारे में देखा था, और उत्तर के विशाल मैदान के बाद हमने तीसरा देखा था तटीय मैदान। तो तीन हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हमें जो देखना है वो हम देखेंगे द्वीप समूहों के बारे में, जो कि भारत के जो प्राकृतिक विभाग है उसी के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारी किताबें आप पढ़ते होंगे तो कहीं से भारत को लिखा होगा कि 5 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, कहीं पे लिखा होगा 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि भारत को 6 प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, जिसमें थार के मरुस्थल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और थार के मरुस्थल के बारे में भी जो भी जानकारी होगी वो हम परीक्षा की दृष्टि से करेंगे। तो सबसे पहले आज जो चर्चा है वो है द्वीप समूहों के बारे में, भारत के द्वीपीय क्षेत्र के बारे में। तो सबसे पहला शब्द एक आ रहा है द्वीप। तो द्वीप किसको कहते हैं, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि द्वीप किसको कहते हैं। तो द्वीप किसको कहते हैं, द्वीप की परिभाषा क्या है, किस भूखंड को आप द्वीप कहते हैं, नई जानकारी है। द्वीप आप खुद इमेजिन करिए, द्वीप का मतलब क्या हुआ कि ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो ऐसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हो उसको आप द्वीप की संज्ञा देते हैं, द्वीप कहते हैं। तो आज द्वीपीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और जब हम बात करते हैं भारत के द्वीपीय क्षेत्र के बारे में, तो आप जानते हैं भारत में बहुत सारे द्वीप हैं। जैसे उदाहरण के रूप में एक दो आप बताइए, कोई भी भारत से संबंधित एक से दो द्वीप का नाम आप बताएं। नहीं पता है, श्री हरिकोटा द्वीप सुना है, थुम्बा द्वीप सुना है, ठीक है। तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जब द्वीप समूह की बात आती है तो मुख्य रूप से जो हमारा द्वीपीय क्षेत्र है वो तो एक आपका बंगाल की खाड़ी में विस्तारित है और दूसरा आपका अरब सागर में विस्तारित है। जिसको द्वीपीय क्षेत्र को यदि हम देखें तो मुख्य रूप से जो प्रमुख हैं, एक आपका आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये कहाँ पर विस्तारित है अंडमान निकोबार, ये आपके बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में विस्तारित है, ठीक है। दूसरा जो आता है वो आपका आता है लक्षद्वीप। और जब बात करते हैं लक्षद्वीप की तो ये कहाँ पे विस्तारित है, ये अरब सागर में विस्तारित है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत हमारे दो महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्र हैं, एक बंगाल की खाड़ी में विस्तारित है, एक आपका विस्तारित है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में जो विस्तारित है उसको बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और जो लक्षद्वीप है हमारा वो अरब सागर में विस्तारित है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपके मैप में जो भी आपके पास एटलस होगा उसमें द्वीपीय क्षेत्र अलग से दिए होंगे, भारत के मैप में ना देखें, नहीं तो चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी। अंडमान निकोबार का दिया होगा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जहाँ मैप दिए होंगे वहीं पर आपको अंडमान निकोबार द्वीप का मैप देखने को मिल जाएगा, लक्षद्वीप का मैप देखने को मिल जाएगा। तो अपने मैप में, अपने एटलस में वो खोल लीजिए, सबसे लास्ट में शायद दिया होगा, सबसे लास्ट में आपको जो भारत के राज्यों का विवरण है उसके सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, जहां पर आपको जाना है और वहीं से चीजों को समझने का प्रयास करना। ये रहा आपके इसी पेज पे है, पिछले पेज पे, ये देखिए नीचे दिया हुआ है, इस वाले पेज पे आइए। एक तरफ देखिए अंडमान निकोबार दिया हुआ है, एक तरफ आपका लक्षद्वीप दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, अब मैप पर ध्यान देना है, मैप पे समझना है। सबसे पहले बात आती है कोई भी द्वीपीय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, जैसे हमने कहा कि भारत का जो द्वीपीय क्षेत्र है मुख्यतः अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में विस्तारित है। अब सबसे पहली बात आ जाती है कि जो द्वीपीय क्षेत्र है इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो पहला पॉइंट आपका आ जाता है द्वीपीय क्षेत्र के अंतर्गत कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई आप सबको पता है, बताया गया है। जैसे जब बात आप करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तो उसको बोला जाता है कि हिमालय का विस्तार है, अराकान योमा का दक्षिणतम विस्तार है, मतलब जो इसकी उत्पत्ति हुई थी ये हिमालय के समय में हुई थी, प्लेट विवर्तन की घटनाओं से संबंधित है। दूसरी बात आती है अरब सागर में जो द्वीप आपका स्थित है लक्षद्वीप, जब बात करते हैं कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई तो आप जानते हैं कि जब अरब सागर क्षेत्र में देखें तो बहुत सारा क्षेत्र क्या हुआ था, निमज्जित हुआ था,
तो जो लक्षद्वीप है बोला जाता है कि जो क्षेत्र निमज्जित हुए थे प्लेट विवर्तनी की घटनाओं के कारण, उन्हीं का जो उभरा हुआ भाग है, उन्हीं का जो हाईएस्ट पीक वाला भाग था, सर्वाधिक ऊंचाई वाला भाग था, वही आज लक्षद्वीप के रूप में दिखाई देता है। तो उत्पत्ति दोनों की समझ में आ गई, दोनों की उत्पत्ति अलग अलग है, एक की जहां पर उत्पत्ति हिमालय से संबंधित है, दूसरे की जहां पर उत्पत्ति है वो निमज्जन से संबंधित है, भ्रंशों से संबंधित है। तो दोनों की उत्पत्ति के बारे में आपको पता चल गया। इसके बाद द्वीप के बारे में आपको क्या देखना है, दूसरा महत्वपूर्ण आता है संसाधन। जैसे प्रत्येक, जैसे आपने हिमालय पढ़ा तो हमने देखा हिमालय भारत के लिए संसाधन कैसे है, हमने तटीय मैदान पढ़ा तो हमने देखा कि तटीय मैदान भारत के लिए संसाधन कैसे है। इसके साथ साथ जब हमने देखा उत्तर के विशाल मैदान को तो वो भी देखा कि भारत के लिए संसाधन कैसे है। तो यहां पर हमें फिर देखना है कि जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र है ये हमारे लिए संसाधन कैसे है, ये समझने की जरूरत है। तो द्वीपीय क्षेत्र किस प्रकार से संसाधन है, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाएं, एक से दो पॉइंट कम से कम आप बताएं कि द्वीपीय क्षेत्र जो आपके हैं ये किस प्रकार से संसाधन है। सबसे पहले यदि हम देखें द्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं तो द्वीपीय क्षेत्र जो है संसाधन की दृष्टि से हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से द्वीपीय क्षेत्र संसाधन कैसे है, आर्थिक दृष्टि से जो द्वीपीय क्षेत्र है संसाधन कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्यटन की गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पे मत्स्यन की गतिविधियाँ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे आपके बंदरगाह पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं वो संसाधन है आर्थिक दृष्टि से, यहाँ पे बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं तो आर्थिक दृष्टि से ये हमारे लिए संसाधन है। दूसरा मुद्दा आता है कि भाई पर्यावरणीय दृष्टि से भी क्या ये हमारे लिए संसाधन है, पर्यावरणीय दृष्टि से भी यह क्या हमारे लिए संसाधन है, पर्यावरणीय दृष्टि से कुछ समझ में आ रहा है। आपको बताया जाता है जब भी अंडमान निकोबार की बात आती है, लक्षद्वीप की बात आती है, तो आपको बताया जाता है कि जैव विविधता का धनी क्षेत्र है, जैव विविधता का धनी क्षेत्र होने के कारण पर्यावरणीय दृष्टि से भी जो हमारे द्वीप समूह हैं वो संसाधन है। पर्यावरणीय दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण कारण है किस प्रकार से संसाधन है, इसमें आप देखते होंगे कि जो भी हमारे शोध होते हैं, जो भी हमारे समुद्री शोध होते हैं, वहाँ के जलीय जीवों पर शोध होते हैं, वो इन्हीं द्वीपीय क्षेत्रों में होते हैं। तो इस दृष्टि से भी यदि हम देखें तो पर्यावरण की दृष्टि से ये हमारे संसाधन है। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से कैसे संसाधन है, जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं ये सामरिक दृष्टि से किस प्रकार से संसाधन है, सामरिक दृष्टि से किस प्रकार से संसाधन है। सामरिक के साथ साथ आप कूटनीतिक दृष्टि से भी देख सकते हैं कि सामरिक और कूटनीतिक दृष्टि से ये किस प्रकार से संसाधन है। तो आप जानेंगे कि जो हमारे द्वीपीय देश हैं, चाहे आप लक्षद्वीप की बात कर लीजिए, चाहे अंडमान निकोबार द्वीप की बात कर लीजिए, इनका जो आधार है, इनकी जो अवस्थिति है, अवस्थिति ऐसे महत्वपूर्ण स्थल पर है, महत्वपूर्ण भूभाग के पास में है, जिसके कारण जो हमारे द्वीपीय देश हैं वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आप देख रहे होंगे लगातार चीन की गतिविधियां हिंद महासागर में बढ़ रही है, ऐसे में भारत क्या कर रहा है, भारत जो भी द्वीपीय देश हैं जैसे कि मालदीव हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, सबसे लगातार संबंधों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। कुछ ऐसे द्वीपीय देश हैं जहाँ पर हम नौसैनिक अड्डा बनाने की बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो जो द्वीपीय देश हैं उनकी जो अवस्थिति है वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही जो हमारी अंडमान निकोबार की अवस्थिति है, जो हमारे लक्षद्वीप की अवस्थिति है, वो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आर्थिक दृष्टि, पर्यावरणीय दृष्टि और हमने देख लिया सामरिक दृष्टि या कूटनीतिक दृष्टि से हमारे द्वीपीय देश महत्वपूर्ण है। इसके बाद यदि हम देखें तो आप जानते हैं कि द्वीपीय जो देश है यहां पर बहुत सारी समस्याएं भी होती होंगी, पहला तो उत्पत्ति हो गया, संसाधन हो गया, तीसरी यहां पर समस्याएं क्या है, प्रत्येक स्थान पे कुछ ना कुछ समस्या होती होगी। यहाँ पे क्या समस्या है, द्वीपीय जो क्षेत्र हैं हमारे यहाँ पे क्या समस्या है, यहाँ पे समस्या क्या है कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रवाल विरंजन की घटना, ठीक है, प्रवाल विरंजन की घटना आपको देखने को मिलेगी। क्यों प्रवाल विरंजन की घटना होती है, इसका महत्वपूर्ण कारण है कि जो समुद्री ताप है, जो समुद्र का जल स्तर का तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण प्रवाल विरंजन की घटना आपको देखने को मिलती है। दूसरा क्या समस्या है कि प्रदूषण की समस्या है, लगातार जो तटीय क्षेत्र हैं, जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, यहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, जिसके कारण एक अलग प्रकार की चुनौती यहाँ के जलीय जीवों के बारे में, यहाँ की जो अस्थला की रित है उससे संबंधित उत्पन्न हो रही है। और तीसरी समस्या क्या है, तीसरी समस्या है कि इनके कुछ भागों के डूबने का खतरा उत्पन्न हो गया है। क्यों उत्पन्न हो गया है, क्योंकि समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तो जलस्तर बढ़ने से भी यहाँ पर समस्या है, ठीक है। तो हमने देखा द्वीपीय जो हमारे क्षेत्र हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई,
किस प्रकार से वो हमारे लिए संसाधन है और क्या समस्याएं वहां पे देखने को मिल रही हैं। अब एक चीज आपसे प्रश्न एक यहां से बन सकता है कि भारत में जो द्वीपीय क्षेत्र हैं, भारत के जो द्वीपीय भाग हैं, उनका अभी तक अधिकतम मात्रा में दोहन क्यों नहीं हो सका। एक साधारण सा प्रश्न है, 3 से 4 पंक्तियों में आपको जवाब देना है कि जो हमारे द्वीपीय क्षेत्र हैं उनका दोहन अभी तक क्यों नहीं हो सका है उस अनुपात में जैसा कि अन्य क्षेत्रों का दोहन हुआ है। कारण इसका क्या नजर आता है आपको? भारत के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनका दोहन नहीं हो पाया है क्यों? कुछ कारण नजर आ रहे हैं आपको कि जो द्वीपीय क्षेत्र हैं क्यों उनका दोहन नहीं हो पाया है उस अनुपात में जैसा कि भारत के अन्य क्षेत्रों का दोहन हुआ है। सबसे पहली बात यहां पे क्या है कि यहां पे आदिम जनजातियां निवास करती हैं। वाइस इशू है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे बहुत सारी, अब क्लियर है, एक बार बताएं, वॉइस क्लियर है? अब एक बार यस और नो, चलिए। तो यहाँ पे क्या समस्या है, दोहन क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि यहाँ पे जो है मूल, यदि हम देखें जो मूल जनजातियाँ हैं उनके कारण समस्या होती है, क्योंकि यहाँ के कुछ क्षेत्र हैं जो उनके लिए आरक्षित कर दिए गए हैं, जिसमें हम यदि हम कानूनों में अपने नियमों में परिवर्तन ना करें संसद के माध्यम से तो हम उन क्षेत्रों में जा भी नहीं सकते हैं। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जो हम द्वीपीय क्षेत्रों का दोहन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर रहने वाली विभिन्न प्रकार की जो जनजातियाँ हैं उनके कारण दोहन नहीं कर सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि जो जनजातियाँ हैं इनमें शिक्षा का अभाव है, शिक्षा का स्तर निम्न प्रकार का है, जिसके कारण हम इनको शैक्षणिक रूप से भी सक्षम नहीं बना पा रहे हैं, इनको जो भारत की मुख्य भूमि है, जो भारत की मुख्य आबादी है, उसके साथ जोड़ नहीं पा रहे हैं। यह भी आपकी एक समस्या है। तो 2 से 3 बिंदुओं पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है भारत के द्वीपीय समूहों के बारे में, एक एक कर हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने क्या देखा कि जो हमारे मुख्य द्वीपीय समूह है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, लक्षद्वीप हो गया, इनका किस प्रकार से उत्पत्ति हुई, ये किस प्रकार से हमारे लिए संसाधन है और किस प्रकार से ये समस्याओं का सामना कर रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं इन क्षेत्रों में इन दिनों में देखी जा रही हैं और आगे वाले वर्षों में, और यहां पे समस्याएं बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आप डिटेल से देखेंगे। तो आप सब मैप ओपन कर लीजिएगा। कौन सा मैप है आपके पास? 30 पेज पे है। एसटीडी टुडे का यदि आपके पास मैप है तो एसटीडी टुडे के मैप में 30 नंबर पेज पे आपके दिया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप, तो वहां पे आप चले जाइए, मैप ओपन कर लीजिए तो चीजें और बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसमें कुल कितने द्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है इसमें जो कुल द्वीपों की संख्या है वो 222 वर्तमान समय में बताई जा रही है, 222 बताई जा रही है। और इस 222 में दो भागों में इसको विभक्त किया जाता है, क्योंकि यदि आप मैप देख रहे होंगे तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि अंडमान समूह अलग है और निकोबार समूह आपका अलग है। तो इसमें जो द्वीप हैं वो अंडमान समूह में 204 द्वीप हैं और 18 द्वीप आपके निकोबार समूह में आते हैं। तो अंडमान समूह में कितने हो गए? 204 द्वीप, और निकोबार समूह में आपके 18 द्वीप आते हैं। अब एक एक करके हम चीज़ों को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मैप पर आ जाइएगा तो चीज़ें आपको विधिवत समझ में आएंगी, ठीक है। मैप आप ओपन कर लीजिएगा और जो चीज़ें आपकी बताई जाएं मैप में ना दिया हो, क्योंकि यदि हम देखें तो समसामयिक दृश्य ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले जब अंडमान निकोबार द्वीप की बात होती है तो आप देखने को पाओगे सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा म्यांमार, म्यांमार राज देखने को मिलेगा। म्यांमार राज का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पे आपको देखने को मिलता है इरावदी नदी का मुहाना,
तो ये आपका हो जाता है इरावदी नदी का मुहाना। इरावदी नदी जो है म्यांमार की प्रमुख नदी है। अब जब इरावदी नदी का जो मुहाना है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्या? दिख रहा है, ठीक है। इरावदी नदी का जो मुहाना है उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, आपके मैप में भी दिया होगा, कोको द्वीप समूह। यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से दिया होगा, ये आपका हो गया कोको द्वीप समूह, और कोको द्वीप समूह के नीचे आपको दिया होगा कोको चैनल। यहां से आपका मैप प्रारंभ हुआ होगा, ठीक है। कोको चैनल दिया होगा, यहां से आपके मैप में चीजें दिखाई दे रही होंगी कि कोको चैनल, कोको पास आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो कोको पास आपका दिया हुआ है। अब कोको पास आपका दिया हुआ है, उसके नीचे आपको देखने को मिलता है एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम है लैंडफॉल द्वीप। इसका नाम आपको याद रखना है, ये आपका हो गया लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। अब लैंडफॉल जो द्वीप है, उसके बाद आपका जो उत्तरी अंडमान है वो प्रारंभ हो जाता है। अब आपका आ जाएगा उत्तरी अंडमान द्वीप, और इसको एक प्रकार से पेज में भी, कॉपी में भी रफली बना लीजिएगा, क्योंकि मैप में तो है ही, मैप में सारी चीज़ें हैं ही, उसको आपको अंडरलाइन करना है वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक रफली भी बना लीजिएगा। ये आपका हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान के बाद यदि आप देखें तो इसी में आपको सबसे ऊंची चोटी अंडमान निकोबार की मिल जाती है, जिसका नाम है सैडल पीक। तो सैडल पीक भी आप यहीं पे नोट कर लीजिए, सैडल आपके मैप में भी दिया होगा, पहले इसको बना लीजिए फिर साथ साथ मैप में अंडरलाइन कर लीजिएगा अभी, ठीक है। सैडल पीक हो गया। सैडल पीक के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्राइस अंतर द्वीप, अंतर रीप, प्राइस अंतरीप, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे यदि आप देखेंगे, इसी के जस्ट लाइन मिला देंगे, एक सीधी रेखा खींच देंगे, तो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा नारकोडम, नारकोडम, नारकोडम जो द्वीप है ये भारत का ज्वालामुखी द्वीप है, नारकोडम द्वीप, और आपको देखने को मिलेगा ये सुसुप्त ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है। तो नारकोडम भारत का सुसुप्त ज्वालामुखी है, ये आपको देखने को मिल गया। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है मध्य अंडमान, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से मैप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चल जाएगा। ये आपका हो गया मध्य अंडमान, और मध्य अंडमान में भी एक पर्वत शिखर है जिसका नाम है डॉल बोलो पर्वत। ये आपका हो गया मध्य अंडमान, ये पर्वत है, इसका नाम है डॉल बोलो। अलग अलग उच्चारण करते हैं लोग, हो सकता है आप में कुछ दूसरा हिंदी उच्चारण हो, डॉल बोलो पर्वत। इसके बाद जो तीसरा है, ये सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये आपका हो गया दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। और दक्षिणी अंडमान में यदि हम देखें तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर, जो राजधानी शहर है, पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और यहाँ पे एक स्थान आता है, ये महत्वपूर्ण है, अभी मैं पूछूंगा क्यों महत्वपूर्ण है, ये जवाब आप दोगे, एवरडीन, एवरडीन भी पढ़ा जाता है, तो एवरडीन ये महत्वपूर्ण है, अभी आप बताएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपका आता है रूटलैंड द्वीप, और फिर यहाँ से आ जाता है डंकन पैसेस, ये आपको याद रखना है, डंकन पैसेज, और सबसे लास्ट में आपका आ जाता है छोटा अंडमान, ठीक है। और छोटा अंडमान रूटलैंड के पास पे ही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेंटिनल द्वीप,
ठीक है, तो एक बार रफली मैप ड्रॉ कर लीजिए, तब इसके बाद चीज़ों को हम देखते हैं। आपके मैप में भी दिया होगा तो एक बार रफली कर लीजिएगा, जो ना समझ में आए अभी बता देते हैं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे आपका है बैरन द्वीप, एक सक्रिय ज्वालामुखी है, चलिए नोट कर लीजिए, एक बार बना लीजिए, फिर इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद पहले अंडमान की चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद निकोबार की चर्चा करेंगे। चलिए मैप आपका दिया हुआ है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें समझनी है, क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण है। सबसे पहले क्या पूछा जाता है इनका, उत्तर से दक्षिण का क्रम इनका पूछा जाता है। तो आपको इनका उत्तर से, जैसे बहुत सारे द्वीप दिए होंगे उसमें, ठीक है, तो सबको नहीं याद रखना है, कुछ महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इनका यदि हम उत्तर से दक्षिण का क्रम देखें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे उत्तर में आपका कोको चैनल कोको पास आता है, इसको आपको कभी नहीं भूलना है। सबसे उत्तर में आपका कोको चैनल आता है, कोको चैनल के बाद से अंडमान निकोबार द्वीप प्रारंभ होता है। उसके बाद यदि हम देखें तो कोको चैनल के बाद तुरंत जो दूसरा आपको रटना है, याद करना है, वो याद करना है लैंडफॉल द्वीप, क्योंकि लैंडफॉल द्वीप के बाद ही उत्तरी अंडमान शुरू होता है। तो सबसे पहले आपका आएगा कोको चैनल के बाद दूसरा आएगा लैंडफॉल द्वीप के बाद उत्तरी अंडमान, फिर मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान, और फिर क्या याद रखना है आपको कि जो दक्षिणी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान के नीचे आपका आता है रूट लैंड द्वीप, ठीक है। तो आपसे कभी कभी क्या पूछा जाता है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अंडमान के मुख्य भाग से जो छोटा अंडमान है उसको कौन सा चैनल अलग करता है, तो ये चैनल आपको पता होना चाहिए कि डंकन पैसेज जो है वो अंडमान द्वीप के मुख्य भाग से छोटा अंडमान को अलग करता है। तो डंकन पैसेज आपको याद रखना, बहुत सारे पैसेज दिए होंगे, ठीक है, मकफर्सन पैसेज दिया होगा, इसके बाद आपको मैनर्स जल संधि दिया होगा, तो ये सब आपको नहीं याद रखना है। आपको क्या याद रखना है, डंकन पैसेज याद रखना है कि डंकन पैसेज के माध्यम से जो छोटा अंडमान है वो अंडमान के अन्य द्वीपों से अलग होता है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ चीज़ें आपको और पता होना चाहिए, जैसे मैंने एक वर्ड यहाँ पे लिखा है एबरडीन, मैंने बोला कि अभी आपसे हम पूछेंगे कि ये एबरडीन है क्या और क्यों चर्चा में था, तो कोई बता सकता है कि ये नाम आपने सुना होगा अवश्य, यदि आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं अवश्य आपने सुना होगा, किस संदर्भ में सुना है यदि आप बता पाएँ तो निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी कि एबरडीन जो नाम आता है ये कब आपने सुना था, एबरडीन जो नाम आता है ये कब आपने सुना था, ये आपको पता होना चाहिए और महत्वपूर्ण भी है, इस समय भी महत्वपूर्ण है। यदि आप करंट अफेयर्स समसामयिक देखते हैं तो आपको पता होना चाहिए एबरडीन महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों था। आपको पता होगा कि वर्ष 2019 में जो सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची जारी की गई थी गृह मंत्रालय द्वारा, उसमें अंडमान का एबरडीन थाना था जो टॉप पे था। तो वही एबरडीन है, वही एबरडीन नामक स्थान है जिसका पुलिस स्टेशन वर्ष 2019 में टॉप पे था, सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान पे था, तो वही एबरडीन आपका है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि जो एबरडीन है, एबरडीन किस द्वीप पर स्थित है, तो रट लीजिएगा कि एबरडीन, पोर्ट ब्लेयर, ये सारे के सारे दक्षिणी अंडमान पर स्थित हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या पूछा जा सकता है और भी महत्वपूर्ण है, दूसरा आपने सुना होगा कि इस समय एक राधानगर बीच को
ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, और जो राधानगर बीच है वो आपका अंडमान से आता है, अंडमान निकोबार का आता है। तो भाई राधानगर बीच इस मैप में है कहाँ पे, ये भी तो पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो राधानगर बीच कहाँ पे है, ये समसामायिक संदर्भों में महत्वपूर्ण है। अब बात आती है कि राधानगर बीच है कहाँ पे, तो आपको बता दें एक द्वीप आपने सुना होगा, हैवलॉक द्वीप। तो ये आपका जो मैप है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये वाला, ये आपका है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। तो जो हैवलॉक द्वीप है इसके इसके इस पश्चिमी भाग पर आपको देखने को मिलेगा राधानगर बीच, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो आपको क्या करना है कि इसको आपको देख लेना है कि किस पर है, हैवलॉक द्वीप के अंतर्गत आता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि राधानगर जो बीच है वो आपका हैवलॉक द्वीप के अंतर्गत आता है। तो ये तो हो गया समसामायिक संदर्भों में कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे ही आपने पढ़ा हैवलॉक द्वीप, आपको कुछ चीजें और याद आनी चाहिए। क्या याद चाहिए कि भारतीय प्रधानमंत्री ने अंडमान निकोबार के तीन द्वीप, पहला था हैवलॉक, हैवलॉक द्वीप, दूसरा आपका जो था जिसका नाम बदला था प्रधानमंत्री ने वो आपका आता है नील द्वीप, और तीसरा आता है जिसका नाम बदला था उसका था रॉस द्वीप। इसका नाम भारतीय प्रधानमंत्री ने चेंज किया था। तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि भाई हैवलॉक द्वीप आपने देख लिया राधानगर बीच के संबंध में, तो नील द्वीप और रास द्वीप कहाँ पे आते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए। अब यदि हम बात करें कि हैवलॉक, नील और रास कहाँ पे आते हैं, तो आपको सबसे पहला नंबर मैंने लिखा है ये आपका हो गया हैवलॉक द्वीप। इसके नीचे ये जो दो डॉट दिख रहे होंगे, ये दोनों जो डॉट दिख रहे हैं ये आपका है नील द्वीप, और यहाँ पे पोर्ट एयर के ऊपर आपको एक डॉट दिख रहा होगा इस स्थान पे, ये आपका है रॉस द्वीप। तो तीनों को आप देख लीजिएगा, इनका क्रम यही है, सबसे पहले हैवलॉक पड़ेगा, फिर नील पड़ेगा, फिर रॉस पड़ेगा। परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है, इन तीनों का नाम देके पूछा जा सकता है कि इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं, क्योंकि महत्वपूर्ण है, भारतीय प्रधानमंत्री ने नाम चेंज किए हैं। तो इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, हैवलॉक द्वीप, उसके बाद नील द्वीप, और उसके बाद रॉस द्वीप, ये क्रम भी आपको याद रखना है। अब क्या है और जरूरी है, अब इनके नाम बदल दिए गए हैं, तो नया नाम क्या है, नए नाम से प्रश्न आएगा, अब इससे तो प्रश्न आएगा नहीं। तो हैवलॉक जो द्वीप है उसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है स्वराज द्वीप, ठीक है। तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा, जो नया नाम है इससे संदर्भित बनेगा, तो नया नाम जो दिया है इनका याद कर लीजिएगा, हैवलॉक द्वीप का हो गया स्वराज द्वीप। अब आता है नील द्वीप, नील द्वीप का नाम रख दिया था प्रधानमंत्री ने शहीद द्वीप, शहीद द्वीप, ठीक है। और इसके बाद आता है रॉस द्वीप, और रॉस द्वीप का नाम रख दिया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इसका नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। याद करने का तरीका क्या है, याद करने का तरीका भी बहुत ही आसान है। जैसे कोई भी मृत शरीर होता है वो पड़ जाता है नीला, तो नीला कब पड़ता है, जब कोई आदमी शहीद होता है। तो आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक है कि नील द्वीप शहीद द्वीप से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि मृत के बाद जो है शरीर नीला पड़ जाता है, और नीला से याद रखना है कि शहीद द्वीप का नाम बदला गया है। दूसरा आप याद रख लो रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बोस और रॉस इस तरह से आप याद रख सकते हो कि रॉस द्वीप जो है वो सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा गया है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। और हैवलॉक, हेवन, हेवन का मतलब ही होता है स्वर्ग, स्वर्ग से याद रखिएगा कि स्वराज द्वीप। तो इन तीनों को आपको याद रख लेना है, इनका क्रम याद रख लेना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। और राधानगर बीच किस पे है, हैवलॉक द्वीप पे है, मतलब स्वराज द्वीप पर है, स्वराज द्वीप पर आपको देखने को मिलेगा राधानगर बीच, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए ज्वालामुखी के संबंध में। जो ज्वालामुखी द्वीप है, एक है नारकोडम, दूसरा है बैरन, जिसमें जो नारकोडम है वो सुसुप्त ज्वालामुखी है, जो बैरन द्वीप है ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि इतने जो आपको अभी तक दिख रहा है मैप, इसमें कहीं भी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही होगी। और यदि आप मैप में देख रहे होंगे तो एक नेशनल हाईवे पूरे मैप में आपको देखने को मिल रहा होगा, पूरे मैप में पोर्ट कार्नवालिस से
सैडल पीक से प्रारंभ होता है और ये आपको पोर्ट ब्लेयर तक देखने को मिलेगा, एक नेशनल हाईवे। प्रत्येक मैप में दिया होगा, एक डॉटेड लाइन के माध्यम से दिया होगा, ठीक है। मैप के बीचों बीच में जो आपका मैप है द्वीपों का, उसके बीच में एक डॉटेड लाइन दिया होगा। यदि आप देखें इस तरह से दिया होगा कुछ डॉटेड लाइन, इस तरह से कुछ डॉटेड लाइन दिया होगा और ये पोर्ट ब्लेयर तक आ रहा होगा। तो पोर्ट ब्लेयर तक आ रहा होगा, यदि नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, एक नेशनल हाईवे भी इससे जुड़ता है, अभी इसकी चर्चा हम कर लेंगे, ठीक है। कहाँ पे जुड़ता है अभी इसकी चर्चा हम कर लेंगे। जैसे इस तरह से मैप दिया होगा, इस तरह से इधर देखिएगा, इस तरह से मैप दिया है, ये जो बीच में दिया है ये आपका है NH4, यहाँ पे लिखा है ना NH4, नेशनल हाईवे 4, जो अंडमान निकोबार द्वीप के साउथ आइसलैंड को पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट दिख रही होंगी, अच्छे से दिख रही होंगी कि किस प्रकार से द्वीप दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप नोट कर लीजिएगा, इसमें देखिए हैवलॉक द्वीप ये देखिए लिखा हुआ है, अपडेटेड है, नील द्वीप लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने जो रॉस द्वीप है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप है ये लगभग यहाँ पे पड़ेगा, इसकी चर्चा इनमें नहीं की गई है। तो पहला हैवलॉक आता है, दूसरा नील आता है, तीसरा आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आता है। नील का नाम इन्होंने बदला नहीं है, ठीक है, इसका नाम हो गया है शहीद द्वीप, इसका है शहीद हो गया है शहीद द्वीप, ठीक है। तो ये आपका क्रम पता होना चाहिए। और ये जो हैवलॉक द्वीप दिख रहा है इसी के पश्चिमी भाग पर आपको देखने को मिलेगा राधा नगर बीच, जो आपको पता होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आपको क्या करना है, राधा नगर बीच गूगल में टाइप कर देना है, गूगल मैप में खुलकर सामने आ जाएगा कि कहाँ पर पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अब हम बात करते हैं कार निकोबार, निकोबार द्वीप की बात करते हैं। हमने यहाँ तक देखा, लिटिल अंडमान तक हमने देख लिया, ठीक है। तो लिटिल अंडमान तक जो हमने देखा वो सारी की सारी चीज़ें आपके किसके अंतर्गत आती हैं, सारी की सारी जो फैक्ट हैं वो आते हैं अंडमान द्वीप के अंदर। अब आपको देखना है निकोबार द्वीप के बारे में। तो निकोबार द्वीप के बारे में आपको क्या देखना है, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे देखा एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि जो अंडमान निकोबार है उसमें से अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से जो अलग करने वाला जो चैनल है वो है 10 डिग्री चैनल, ये याद कर लीजिएगा। आपसे पूछा जाता है 10 डिग्री चैनल के बारे में, 9 डिग्री चैनल के बारे में, 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाता है, तो तीनों चैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है, ये आपको फैक्ट नोट करना है, याद करना है। तो चलिए अब निकोबार के बारे में देखते हैं, ये तो रफ हो गया, डिलीट हो गया सारा, कोई बात नहीं, उसका हो गया था, हमने देख लिया था पूरा। अब आप देखिए निकोबार के बारे में, निकोबार का मैप आप में दिया होगा, उसी के बगल में दिया हुआ है निकोबार का मैप। उसमें यदि हम देखें तो निकोबार में कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है। निकोबार में सबसे पहले आपने देखा कि 10 डिग्री चैनल है, ठीक है, जो आपने देखा था कौन सा अंडमान था, लिटिल अंडमान ये इसके ऊपर था और इससे 10 डिग्री चैनल से निकोबार द्वीप अलग होता है। और निकोबार में सबसे पहला आप देख रहे होंगे कार निकोबार, ये आपका है कार निकोबार द्वीप, ये आपको याद रखना है कार निकोबार, कार निकोबार द्वीप आपको याद रखना है। और कार निकोबार में एक स्थान दिया होगा यहाँ पे ककाना, ककाना इस स्थान का नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कमोरता द्वीप। कमोरता से कुछ याद आ रहा है, कमोरता द्वीप लिखा है मैंने, इससे कुछ आपको याद आ रहा है, आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आना चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो इसी के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा नन कावेरी द्वीप, जो आपको याद रखने हैं, सिर्फ उसी की बात हो रही है। इसके बाद आपको यहाँ पे पड़ता है कचल द्वीप, ऐसे तो बहुत सारे दिए हुए हैं लेकिन जो हमें याद करना है हम सिर्फ उसी की बात करते हैं। और इन दोनों के बीच में आपको एक चैनल देखने को मिलेगा जिसका नाम है रेबेलो जलमार्ग, ठीक है। इसके बाद फिर आपका आ जाता है यहाँ पे सोमबेरो जलमार्ग,
और इसी के दक्षिण में आपका आएगा सबसे पहले लघु निकोबार और लघु निकोबार के भी दक्षिण में आपका आ जाएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, यह है आपका कौन सा है, इसको क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट में जो द्वीप है निकोबार का, बृहद निकोबार। और बृहद निकोबार में आपका सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इसका एक दूसरा भी नाम है, क्या नाम है, हाँ पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। यहाँ पे एक पर्वत है जिसको बोला जाता है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है माउंट थुलियर। यह है निकोबार की सबसे ऊंची चोटी। अंडमान की सबसे ऊंची चोटी आपने देखा था सैडल पीच, लगभग 732 मीटर थी, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा माउंट थुलियर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इससे जो प्रश्न बनता है, जो निकोबार से यदि कोई प्रश्न बनता है, कोई भी मैप आपके पास हो, ऑक्सफोर्ड का हो या कोई भी मैप हो, सब में द्वीपों का दिया होगा। सबसे पहले आपके मैप जो भी होंगे, एक एक राज्यों के बारे में इस तरह से बताया गया होगा, एक एक राज्य के बारे में, ठीक है। तो राज्यों वाला मैप आप ओपन करते चले जाइएगा, सबसे लास्ट में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ अंडमान निकोबार है, एक तरफ आपका लक्षद्वीप है, ठीक है। तो कोई भी मैप दिया होगा, ध्यान से देखते हुए जाइएगा, राज्यों का पलटते हुए, जहां पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में दिया होगा, चंडीगढ़ के बारे में दिया होगा, उसी के बगल में आपको दिया होगा, और वहीं पर कोई भी बुकलेट होगी आपके पास, वहीं पर मैप समाप्त हो जाता है राज्यों का और नया प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देख लेते हैं क्या याद रखना है, क्या चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे क्या पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि कितने डिग्री चैनल से अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप से अलग होता है। तो 10 डिग्री चैनल से अंडमान निकोबार से अलग होता है, ये आपको याद रखना है। दूसरा पूछा जाता है कि जो निकोबार द्वीप है इसमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप है आपका बृहद निकोबार जो सबसे दक्षिण में पड़ता है। यदि आपसे पूछा जाए कि इंदिरा पॉइंट जो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है किस द्वीप में पड़ता है, बृहद निकोबार के अंतर्गत आता है। और इतने ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इससे संबंधित, ज्यादा जो प्रश्न बनते हैं वो अंडमान द्वीप से बनते हैं। निकोबार द्वीप के बारे में सिर्फ बृहद निकोबार के बारे में याद रख लीजिए, माउंट थुलियर के बारे में याद रख लीजिए, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के बारे में याद रख लीजिए, बाकी की जो चीजें हैं वो आपके लिए उपयोगी नहीं है, इनसे कोई प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है। तो जो भी इसमें बताया गया उसको अपने मैप में इस तरह से कुछ, भाई देखो मैंने किया है, आप भी इस तरह से अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो आपके मैप में नहीं दिया होगा उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक यदि आप सोचेंगे कि मैप में कुछ लिखना नहीं है, अंडरलाइन नहीं रखना है, ऐसे ही नया बना के रखना है, तो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। चलिए तो इसको आप कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं लक्षद्वीप पर। और लक्षद्वीप पर बढ़ने से पहले कुछ प्रश्न क्या बन सकते हैं यहां से उसके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इन जो भी अभी आपने फैक्ट पढ़ा यहां से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं ये पूछ लेते हैं। सबसे पहले बन सकता है कि जो रॉस द्वीप है, जो आपने हैवलॉक द्वीप पढ़ा, जो आपने नील द्वीप पढ़ा, जिसका आपने नाम नोट किया, एक का नाम है शहीद द्वीप, एक का नाम है स्वराज और एक का नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, इनका क्रम पूछा जा सकता है उत्तर से दक्षिण, वो आप बता देंगे। दूसरा क्या प्रश्न बन सकता है, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि जो ये द्वीप है इनमें से राधानगर बीच चर्चा में था, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, तो जो राधानगर बीच है ये इन द्वीपों में से किस में आता है, किससे संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है। इसके बाद क्या बन सकता है कि छोटा अंडमान और दक्षिणी अंडमान किस चैनल के माध्यम से अलग होते हैं, डंकन पैसेज के माध्यम से अलग होते हैं, अभी आपने देखा। फिर क्या बन सकता है कि अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप से कितने चैनल के माध्यम से अलग होता है, 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अलग होता है। इनके कुछ पर्वत हैं, पर्वतों का क्रम पूछा जा सकता है, जैसे आपने सैडल पीक देखा, आपने डोलबेलो पर्वत देखा मध्य अंडमान में, इसके बाद आपने उत्तरी अंडमान में सैडल पीक देखा, तो आपसे क्या प्रश्न बन सकता है कि इनका भी क्रम लगाएं। तो इसमें आपको एक और याद रखना है
है, यहाँ पे पड़ता है दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान में पड़ता है माउंट हैरियर नेशनल पार्क। तो जो माउंट हैरियर नेशनल पार्क दक्षिणी अंडमान में पड़ता है वहाँ पर भी एक चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट हैरियर, और माउंट हैरियर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से विख्यात है। ठीक, तो माउंट हैरियर जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ भी एक पर्वत आपका हो गया दक्षिणी अंडमान में। तो इनका क्रम पूछा जाता है, तो सबसे पहले सैडल पीक, सैडल पीक के बाद आपका डॉल बेलो पर्वत जो मध्य अंडमान में है, इसके बाद आपका आ गया हैरियर, इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा है जो निकोबार में स्थित है, निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट थुलियर। तो इतनी जानकारी यदि आपको है पर्वतों के बारे में तो अंडमान निकोबार से संबंधित कोई भी प्रश्न बनता है, यदि 4 से 5 फैक्ट आपने कर लिए हैं तो निश्चित रूप से किसी भी वर्ष का प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, विगत वर्षों का, प्रारंभिक परीक्षा का, राज्य का या यूपीएससी का, कहीं भी आपका गलत नहीं होगा, आप सभी जवाब देने में सक्षम होंगे। ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में क्या हमें जानना है उसकी चर्चा हम करते हैं। तो लक्षद्वीप के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें क्या ज़्यादातर पूछा जाता है कि किस डिग्री, कितने डिग्री चैनल से मिनिकॉय लक्षद्वीप के मुख्य द्वीपों से अलग होता है, कितनी डिग्री चैनल से मिनिकॉय मालदीव से अलग होता है, तो ये 2 से 3 आसान से प्रश्न बनते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं लक्षद्वीप, तो जो हमारा लक्षद्वीप है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, जो हमारा लक्षद्वीप है इसको 2 भागों में बांटा जाता है, 2 समूहों में बांटा जाता है। एक का नाम है अमीन द्वीपीय समूह, अमीन समूह, और दूसरे का नाम आपका है कन्ननोर समूह। ठीक है, आपके मैप में भी ये 2 चीज़ें दी होंगी, अमीन डीवी और कन्ननोर, मैप में आपके दिया होगा कि जो लक्षद्वीप समूह है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। और लक्षद्वीप के अंतर्गत कुल 36 द्वीप आते हैं, और इस 36 द्वीप में से सिर्फ 11 द्वीप ऐसे हैं जिसमें मानव वास पाया जाता है, बाकी के जो द्वीप हैं वहाँ पर मानव आबादी, मानव बस्तियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो 36 ये आपको पता होना चाहिए, 2 समूहों में बांटा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मैप की कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका सबसे छोटा द्वीप है बित्रा द्वीप, सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा बित्रा, ये लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है बित्रा, मैप में सबसे टॉप में देखने को मिलेगा बित्रा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा किल्तन, किल्टन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बित्रा हो गए, किल्टन हो गए, और इसके बाद ये ग्रुप जो है ये ऊपर का जो उत्तरी भाग था, इसमें बहुत सारे अन्य द्वीप हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना चाहते हैं आप रट सकते हैं। ठीक है, तो इसको, इस उत्तरी भाग को बोलते हैं अमीन द्वीपी, जो आपने लिखा था अभी, तो ये उत्तरी भाग का जो द्वीप है इसको बोलते हैं अमीन द्वीप, मतलब बित्रा, किल्तन और इस तरह के जो भी अन्य द्वीप आते होंगे, ठीक है, ये आपके आते हैं अमीन द्वीपी समूह में। इसके बाद जो आते हैं जैसे अगट्टी, ये आपको याद रखने, जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये आपको याद रखने, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, बाकी यदि आप अलग से और याद करते हैं वो आप भूल जाएँ कोई बात नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है अगट्टी द्वीप। इसके बाद आपका आता है अड्डा रोट्स, ठीक, और इसके बाद आपका देखने को मिलेगा कावारत्ती, मध्य में आपको देखने को मिलता है कावारत्ती। और जब ये बात हम करते हैं अगट्टी, अड्डरोट्स, कावारत्ती, सुहेली, कल्पेनी, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सुहेली, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कल्पेनी, ये सारे के सारे इस लाइन के नीचे वाले जो द्वीप हैं वो आपके आते हैं कन्ननोर द्वीप समूह में। और इसको जो अलग करने वाला चैनल है, मतलब उत्तरी भाग को, अमीन द्वीपी समूह को और कन्ननोर समूह को, वो है आपका 11 डिग्री चैनल। ठीक है, तो 11 डिग्री चैनल के माध्यम से ये अलग होते हैं। तो आप जैसे आपके मैप में शायद 10 दिया हो, 10 के बाद 12 दिया हो, ठीक है, तो 10 के बाद 12 चैनल दिया है तो उसी के मध्य से एक लाइन खींच देंगे, तो जो लक्षद्वीप समूह है वो 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, ऊपर का भाग आपका हो जाएगा उत्तरी,
लक्षद्वीप के अंतर्गत जो अमीन द्वीपी समूह है, और नीचे का जो भाग बचेगा दक्षिणी भाग, वो आपका कन्नानोर समूह के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसमें क्या चीज़ें और देखनी है, अब 11 डिग्री चैनल है, 11 डिग्री चैनल के बाद थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और ऊपर लिख दूँ क्योंकि स्पेस कम हो गया है। ठीक है, तो आप मैप में देख के बना लीजिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुहेली कल्पेनी। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि मिनकॉय द्वीप आता है जो कि लक्षद्वीप के अंतर्गत आता है, वो सबसे दक्षिणतम है और ये आपका 9 डिग्री चैनल है जो इसको अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनकॉय को अलग करता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मिनकॉय। ठीक है, और मिनकॉय के नीचे 8 डिग्री चैनल आता है और 8 डिग्री चैनल के बाद आपका मालदीव आ जाता है, ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो मिनकॉय तक दिया होगा, मिनकॉय के बाद 8 डिग्री चैनल आता है, 8 डिग्री चैनल के तुरंत बाद आपको मालदीव देश आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, इसमें इनका क्रम अवश्य सही से नोट करिएगा। जैसे मैप में दिया हुआ क्रम का मतलब क्या, जैसे जो कन्नानोर द्वीप समूह है इसमें जैसे दिया है अगट्टी, अगट्टी के नीचे यदि आप लाइन देखें तब अड्रोट्स आता है और सुहेली, सबसे दक्षिण में कल्पेनी आता है, इन चारों में सबसे दक्षिण में कल्पेनी आता है, तो वो आप मैप में देख लीजिएगा। और 9 डिग्री चैनल के माध्यम से मिनकॉय अलग होता है और 8 डिग्री चैनल के माध्यम से मिनकॉय से जो अलग होता है वो आपका है मालदीव। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए थी। ठीक है, तो इसमें चैनल आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैनल से कौन कौन से किस प्रकार से द्वीप अलग होते हैं, यही परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो आपके मैप में भी दिया होगा, बिना एटलस के पढ़ाई नहीं होती है भूगोल की, तो मैं उम्मीद करता हूँ सबके पास एटलस होगा और सब अच्छे से नोट भी कर रहे होंगे। अब इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो यहाँ पे देखने को पाते हैं आपकी कुछ जनजातियाँ रहती हैं, और जनजातियों पे आगे बढ़ने से पहले मैंने एक आपको नाम पूछा था, आपने बताया नहीं था कि ये कमोरता क्या है। जब आपने निकोबार पढ़ा था मैंने पूछा कमोरता, तो आपने कुछ जवाब नहीं दिया। कमोरता से कुछ याद आ रहा है आपको, कमोरता से कुछ याद आ रहा है लेटेस्ट कुछ? कमोरता एक हमारी सबमरीन होती है, कमोरता क्लास की सबमरीन होती है, शायद आपने नाम सुना हो। एक एंटी सबमरीन होती है जिसमें से चार को बनाना है, और इसमें से जो सबसे पहली बनी थी उसका नाम था INS कमोरता। तो आपको पता होना चाहिए INS कमोरता है क्या। ठीक है, और बाकी के अन्य चारों के नाम क्या हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कोई भी शब्द ऐसा पढ़े, यदि कहीं से भी आपने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ, तो उसको लिंक करने का प्रयास करें तो चीज़ें बेहतर होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें और देखते हैं। जैसे कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, अंडमान निकोबार आपका द्वीप है, तो अंडमान निकोबार द्वीप में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं। अंडमान निकोबार द्वीप में जब हम बात करते हैं जनजातियों की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी कि इस द्वीप में जो जनजातियाँ रहती हैं, चार निग्रो प्रजाति की और दो मंगोल प्रजाति की जनजातियाँ रहती हैं। कौन कौन सी? चार आपका हो गया निग्रो प्रजाति और दो आपका हो गया मंगोल प्रजाति। ठीक, अब क्या पता होना चाहिए कि इनमें से जनजातियों के नाम पता होना चाहिए कि कौन सी मंगोल प्रजाति है कौन सी निग्रो। तो मंगोल जो प्रजाति है दो ही हैं, तो ये आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसमें आता है निकोबारी और सोपेन, निकोबारी और सोपेन। और ये जो मंगोल प्रजाति होते हैं इनको बोला जाता है पीली त्वचा वाले लोग, इनकी त्वचा का जो कलर होता है वो पीला होता है कुछ। ठीक है, तो पीली त्वचा वाले जो लोग होते हैं उनको मंगोल प्रजाति से जोड़ा जाता है, और इसमें दो आती हैं, पहला है निकोबारी दूसरा है सोपेन। अब बात आती है निग्रो प्रजाति वाले, निग्रो में चार आपके आते हैं और चारों आपके पता होने चाहिए। कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले ग्रेट अंडमानी आपने सुना होगा, ग्रेट अंडमानी जो लुप्त प्राय हो गए हैं, ग्रेट अंडमानी। दूसरा आपने जारवा जनजाति सुना होगा, ग्रेट अंडमानी हो गया आपका, जारवा हो गया, इसके बाद ओंगे और सेंटिनलीज, सेंट और इसके बाद आपका है ओंगे। ठीक है, तो चार ये जनजातियां आपको पता होना चाहिए, सेंटिनलीज, ओंगे, जारवा और ग्रेट अंडमानी। और इसमें से कोई चर्चा में थी,
यदि आपको पता होगा तो सेंटिनली चर्चा में थी। क्यों चर्चा में थी? हाँ, और आपने अभी एक द्वीप भी देखा था इससे जुड़ा हुआ। कौन सा द्वीप देखा था? अभी अंडमान निकोबार का अध्ययन किया था तो सेंटिनल द्वीप आपने देखा था, ठीक है। तो सेंटलीज जो जनजाति है, पूछा जा सकता है कि किस प्रकार की जनजाति है, तो आपको क्या बताना है कि ये निग्रो प्रकार की जनजाति है जिसमें काली त्वचा के लोग पाए जाते हैं, ठीक है। तो निग्रो प्रकार की जो जनजाति होती है चार हैं, इसमें काली त्वचा के लोग होते हैं, और मंगोल प्रजाति की जो जनजाति है, यही दो आप यदि याद रखते हैं, क्योंकि ये दो हैं याद रखना आसान है, बाकी के जो बचे वो आपके निग्रो प्रजाति के हैं। तो ये दो याद कर लीजिएगा, निकोबारी और सोपेन, ये जो जनजातियां हैं ये आपकी पीली त्वचा के लोग हैं, मंगोल प्रजाति के जनजाति हैं। और एक चीज़ और आप जानते होंगे अंडमान निकोबार के संबंध में, अभी प्रश्न पूछा गया था बिहार पीसीएस में कि भारत में सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण कहाँ पे हैं, तो चाहे वन्य जीव अभ्यारण की बात करें, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वन्य जीव अभ्यारण राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ पे देखने को मिलते हैं? अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, ये सारी चीज़ें अंडमान में देखने को मिलते हैं। दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। अच्छा खासा है, लेकिन दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। उसका जो प्रश्न पूछा गया था उसमें था कि वन्य जीव अभ्यारण सबसे ज्यादा किस प्रदेश में है, तो उसका सही विकल्प था महाराष्ट्र, ठीक है। तो नंबर एक आप याद रखिएगा। अब क्या करना है आपको, कुछ अन्य द्वीपों के बारे में नोट करना है, ठीक है। इससे संबंधित जो अन्य चीज़ें हैं, जैसे अब अंडमान द्वीप में क्या नोट कराना है, क्या नहीं नोट कराना है, वो कल की क्लास में देख लेंगे। अभी जैसे भारत के कुछ अन्य द्वीप हैं उनको भी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कल एक बार में आएंगे, जो चीज़ें हैं वो साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे, और थार के मरुस्थल को पढ़कर भारत का जो हमने प्राकृतिक विभाजन था वो हमारा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद कोई नया टॉपिक देखते हैं। चलिए अब अन्य द्वीपों के बारे में सबसे पहले देखते हैं, और अन्य द्वीपों में आपने सुना होगा न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप सुना है आपने? पहला आपका आता है, मैप खोली भारत का है, न्यू मूरे द्वीप। न्यू मूरे द्वीप सुना है? नहीं सुना है? सुंदरबन आप खोलिएगा, पश्चिम बंगाल का मैप खोलिएगा, वहां पे आपको न्यू मूरे दिख जाएगा। भारत का भी मैप खोलेंगे तो वहां भी चीजें दी होंगी, भारत के मैप में भी दिया हुआ है, तो भारत का यदि मैप खोल लेंगे तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपका डेल्टा है, जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नीचे आपको देखने को मिलेगा न्यू मूरे द्वीप। तो जो न्यू मूरे द्वीप है ये 1971 के बाद चर्चा में आया था, 1971 के बाद उभार में आया था, अस्तित्व में आया था, जिसके कारण ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। तो आपको नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, भारत का फिजिकल मैप खोल लीजिए, प्राकृतिक मैप खोल लीजिए, और भारत के प्राकृतिक मैप में ठीक है फिजिकल मैप खोल लीजिए। भैया टाइगर स्टेट बोलने का मतलब ये नहीं हो गया कि वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा हैं। टाइगर स्टेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश है, एक समय में होता था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो शेरों की आबादी, जो बाघों की आबादी है वो पाई जाती थी, वहाँ पे बहुत सारे जो आपके टाइगर रिजर्व हैं उनमें लगातार उनकी आबादी बढ़ रही थी, और उसने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया था, तो जिसके कारण उसकी चर्चा होती थी। उत्तराखंड को उसने एक समय में पीछे छोड़ दिया था जिसके कारण उसकी चर्चा होती थी, ठीक है। न्यू मूरे द्वीप आपको मिल गया। चलिए न्यू मूरे द्वीप का मतलब क्या है कि ये आपको देखने को मिलेगा जो आपका डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा के नीचे देखने को मिलेगा, और ये 1971 के बाद उभर कर आया था, अस्तित्व में आया था, जिसके कारण ये भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद का विषय है। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। भारत में इसका नाम जो है वो पूर्वासा नाम से जानते हैं, भारत में इसका एक अन्य नाम है पूर्वासा, और बांग्लादेश में इसको तलपरी के नाम से जानते हैं। भारत में पूर्वासा और बांग्लादेश में तलपरी के नाम से जानते हैं। इसके बाद आपका आता है सागर द्वीप। सागर द्वीप भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा इसी मैप में। दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण द्वीप है भारत के संबंध में वो आपका आता है सागर द्वीप। सागर द्वीप यदि हम देखें तो आप देखते होंगे हुगली नदी का मुहाना, हुगली नदी के मुहाने पर बसा है। जहाँ पे हुगली नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहीं पर आपको एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पिन पॉइंट दिया होगा, प्रत्येक मैप में दिया होगा बहुत छोटा सा,
न्यू मूरे जो द्वीप है इसी के पश्चिम में जाएंगे, ठीक है। तो आपको बहुत जहां पे दामोदर नदी आपको दिख रही होगी आती हुई बंगाल की खाड़ी में, वहां पे एक छोटा सा डॉट बना होगा और ये आपका है सागर द्वीप। सागर द्वीप के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सागर द्वीप क्या हो गया, हुगली नदी के मुहाने पर यह स्थित द्वीप है, ठीक है। सागर द्वीप के बाद जो तीसरा आता है वो आपका आता है श्रीहरिकोटा द्वीप। इसके लिए आपको कहां पे जाना होगा, आंध्र प्रदेश जाना होगा, श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा द्वीप। और श्रीहरिकोटा द्वीप में जाइए, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का मैप देखिएगा और वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगी पुलिकट झील। पुलिकट झील जो आपको देखने को मिलेगी, पुलिकट झील में ही ये आपका स्थित है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप कहां पे है, पुलिकट झील में है, पुलिकट झील में स्थित है और ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो श्रीहरिकोटा आपका हो गया आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील में देखने को मिलेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में देख लिए, यदि नहीं दिख रहा भारत के मैप में तो आंध्र प्रदेश का अलग से मैप खोल लीजिएगा, वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है थुम्बा द्वीप। थुम्बा द्वीप लगातार चर्चा में रहता है, थुम्बा द्वीप। और ये जो थुम्बा द्वीप है ये आपको देखने को मिलेगा केरल राज्य में, ठीक है। केरल राज्य में आपको देखने को मिलेगा थुम्बा द्वीप। और यहीं पर पांचवा आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप याद रखा है, किसी ने सुना है वेलिंगटन, वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन जो द्वीप है इसको बोला जाता है कि जो कोचीन शहर है उसी का विस्तार है, मतलब कोचीन शहर का हिस्सा है वेलिंगटन द्वीप। और इस द्वीप पर जो हमारी दक्षिणी नौसेना है, दक्षिणी नौसेना का जो मुख्यालय है वो इसी द्वीप पर स्थित है, वेलिंगटन द्वीप पर। और यह भारत का सबसे छोटा द्वीप है, ये भी आपको पता होना चाहिए। वेलिंगटन द्वीप केरल में देखने को मिलेगा, केरल में ही आपको थुम्बा द्वीप देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है दो और हैं, पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आप जानते हैं कि मुंबई, जो आप मुंबई शहर पढ़ते हैं, मुंबई शहर भी द्वीपों पर बसा है। मुंबई शहर में एक द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा, एलिफेंटा द्वीप। तो अभी यह क्या करना है, इनसे नाम पूछे जाते हैं, देखें कि इस किस राज्य में पढ़ते हैं, कहां पर पढ़ते हैं, तो वही हम अभी सीख रहे हैं। तो इसके बाद आपका पढ़ता है एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप कहां पे पड़ेगा, ये आपके मुंबई में पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप दो नाम और याद रखिएगा, एक है खादिया बेट, एक है आलिया बेट। खादिया बेट, एक है आलिया बेट, ये भी द्वीप हैं। ये कहां पे देखने को मिलेंगे, ये नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं जब अरब सागर में मिलती हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा खादिया बेट और आलिया बेट। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप, मैंने बात किया मुंबई, तो मुंबई जो द्वीप है, मुंबई जो शहर है दो द्वीपों पर बसा है, एक का नाम है बसीन, एक का नाम है सालसेट। बसीन और सालसेट द्वीपों पर आपका मुंबई शहर बसा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बसीन और सालसेट दो द्वीप हैं जिस पर आपको मुंबई शहर बसा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारे द्वीप आपको नोट कर लेने हैं। इसके बाद आपका एक महत्वपूर्ण द्वीप आता है जिसकी चर्चा हम करेंगे, क्योंकि उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है अभी हाल ही में घोषित किया गया था, कौन सा है, माजुली द्वीप है। और माजुली द्वीप कहां पे देखने को मिलेगा, असम में देखने को मिलेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलेगा। तो माजुली द्वीप भी आप असम में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो इतने महत्वपूर्ण द्वीप है, इनमें क्या पता होना चाहिए, इनमें सिर्फ इनकी अवस्थिति पता होना चाहिए कि इनकी अवस्थिति कहां पे है, तो निश्चित रूप से आप चीजें बेहतर कर पाएंगे। अब आपको जो देखना है वो महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान से देखिएगा। आपने सुना होगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहां पर देखने को मिलती है। अब आपको तुरंत क्या कर लेना है, तमिलनाडु राज्य का मैप ओपन कर लेना है, अपने एटलस में तमिलनाडु राज्य का मैप ओपन कर लेना है। और तमिलनाडु राज्य का मैप ओपन करने के बाद फिर आप बताएं कि हमने ओपन कर लिया है, फिर आगे की चर्चा हम करते हैं। तमिलनाडु राज्य का मैप ओपन कर लीजिए, शायद गोवा कर्नाटक तमिलनाडु एक में दिया हो, तो जहां भी तमिलनाडु दिया हो उस मैप को आपको ओपन कर लेना है, यही मैप है आपका, ठीक है। अब इस मैप में फिजिकल में आप देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिल रही होगी। तो अब हम देखने वाले हैं मन्नार की खाड़ी के द्वीप, मन्नार की खाड़ी के द्वीप। तो मन्नार की खाड़ी के द्वीप में हम देखने वाले हैं
क्या देखना है हमें? मन्नार की खाड़ी के द्वीप में, आप देख रहे होंगे, नाम सुनते होंगे, धनुषकोडी, रामेश्वरम का नाम सुनते होंगे, और यहाँ से संबंधित प्रश्न बनते हैं। इसीलिए आज की जो चर्चा है मन्नार के द्वीप पर समाप्त होगी। मन्नार का द्वीप का पूरा अध्ययन हम करेंगे। अब मन्नार का द्वीप यदि आप देख रहे होंगे तो आपको जो मैप दिख रहा होगा भारत का तमिलनाडु राज्य में, एक जगह पे कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और जहाँ पे ये नुकीला भाग आपको भारत के मैप में दिख रहा होगा, जहाँ पर ये भाग आपको दिख रहा होगा, उसी के बाद से आपका जो पंबन चैनल है, चैनल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। पंबन चैनल में यदि आप देखें तो सबसे पहले ये आपको क्या देखने को मिल गया यहाँ पे, पंबन चैनल। तो इसको आप क्या दिख दोगे? पंबन चैनल आपके मैप में दिया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें ना दी हों उसको आप नोट कर लीजिएगा। पंबन चैनल के बाद यदि आप देखते होंगे तो आगे एक द्वीप जैसा दिख रहा होगा, इस तरह से कुछ दिख रहा होगा। इसमें दो बिंदु आपको दिए होंगे, इस तरह से आपके मैप में दो बिंदु आपको दिए होंगे। नहीं दिए हुए तो आप कर लीजिएगा। एक जो पहला बिंदु पड़ता है यह है रामेश्वरम, रामेश्वरम, और जो दूसरा बिंदु है यह है धनुषकोडी, ठीक है। तो पहला वाला हो गया रामेश्वरम, दूसरा हो गया धनुषकोडी, और रामेश्वरम और धनुषकोडी के बाद आप देखने को मिल रहे होंगे डॉटेड लाइन आपको देखने को मिल रही होगी, और ये जो डॉटेड लाइन है इसी को बोलते हैं आदम का पुल। आदम का पुल इसी डॉटेड लाइन को बोलते हैं, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन होगी आपका आदम का पुल, और आदम के पुल के बाद आपको देखने को मिल रहा होगा एक छोटा सा भाग, द्वीपीय भाग, जिसको बोलते हैं तलई मन्नार, तलई मन्नार। और तलई मन्नार जो है ये श्रीलंका का भाग है वर्तमान समय में, ठीक है। तलई मन्नार आपको देखने को मिल जाएगा, और तलई मन्नार के ऊपर आप जाएंगे जहाँ पे पाक जल संधि लिखा होगा, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कच्चा तीबू द्वीप, कच्चा तीबू द्वीप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। इसमें क्या देखने वाली बात थी? प्रश्न में कभी कभी इन चारों के नाम देके पूछ लिए जाते हैं कि इनको जो है सही क्रम में लगाएं, इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में लगाएं। तो क्या होता है, सबसे पहले आपका आएगा कौन सा? पंबन चैनल। पंबन चैनल के बाद रामेश्वरम, रामेश्वरम के बाद धनुषकोडी, धनुषकोडी के बाद आदम का पुल, और आदम के पुल के बाद आपका तलई मन्नार, ठीक है। तो ये क्रम आपको पता होना चाहिए। इसी क्रम से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ पर ये स्थित है, कौन सा यहाँ पे चैनल है। इसके यदि हम देखें दक्षिणी भाग में तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी का भाग है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका मन्नार की खाड़ी हो गया, ठीक। तो इसको आप बना लीजिएगा, मैप में बना होगा, जब तमिलनाडु राज्य का मैप आप खोले होंगे बना होगा, तो उसमें क्या करना है, थोड़ा सा अच्छे से जो चीज़ें ना दी हों उसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो आपके प्रश्न बनते होंगे वो आपके प्रश्न निकल जाएंगे, आपको समस्या नहीं होगी। चले चले, अभी एमपी और अंडमान में ना पढ़िए, अभी जो यहाँ पे बताया जा रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए, बाकी की चर्चा बाद में आप कर लीजिएगा। मैंने बताया तो कि आपको सबसे ज़्यादा आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलते हैं, राष्ट्रीय उद्यान जो सबसे ज़्यादा हैं वो आपके अंडमान निकोबार में हैं, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए नोट हो जाए तो बताएं। तो जितनी भी चर्चा हुई है ये सारी नोट डाउन होनी चाहिए, और जितने लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं एक टॉपिक अब आपका लगभग लगभग ख़त्म होने वाला है, भारत का प्राकृतिक विभाजन, ठीक है। तो इसके बाद से आपका, आप उम्मीद करिए कि संडे संडे आपका अब टेस्ट होना है, तो संडे संडे प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट होना है। टेस्ट कहाँ पर होगा? आपका जो पैनल है, आपका जो पोर्टल है आज़ाद MPPSC अकादमी, आज़ाद MPPSC अकादमी डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप, मोबाइल ऐप, और उसी ऐप पर आपका संडे संडे अब टेस्ट होगा। इस रविवार को भी आपका टेस्ट रहेगा, टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। तो जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वहीं से संबंधित प्रश्न होंगे, और सभी को अनिवार्य रूप से उस टेस्ट में सम्मिलित होना है,
ठीक है। तो संडे को टेस्ट है, टाइमिंग आपको बता दी जाएगी, एक दिन पहले आपको ऐप के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप में आप जुड़ जाइए और वहाँ पे आपके लिए अलग से एक नया कोड मैं जनरेट करवा दूंगा कल। पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसके बाद से आप वहाँ पे टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। और टेस्ट देना कंपलसरी है, कम से कम आपको पता चले कि जो आपने पढ़ा है क्या वहाँ से कुछ मदद मिल रही है या नहीं मिल रही। नहीं मिल रही है फिर आपका पढ़ना बेकार है, ठीक है, और मेरा पढ़ाना बेकार है। तो कहना क्या है कि ऐप सबके मोबाइल में होना चाहिए और सर रविवार को टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। जितना आपने पढ़ा है वहीं से संबंधित टेस्ट होंगे। जरूरी नहीं है कि प्रश्न जो हैं प्रश्न की संख्या 100 हो, प्रश्न की संख्या 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, ठीक है, उसी अनुसार आपको समय दिया जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हम 100 प्रश्नों का टेस्ट कराएं, ठीक। तो हमें क्या करना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन होता रहे, तो इसके लिए हम टेस्ट ले रहे हैं। तो प्रश्न की संख्या 10, 15, 20 तक ही सीमित रहेगी, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। प्रश्नों का जो लेवल होगा वो UPSC के पैटर्न पर आधारित होगा। जैसा कि UPSC में कथन वाइज प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षा में दिए जाएंगे और उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, ठीक है। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब इसमें से जो भी आपको नोट करना है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा और थार का मरुस्थल पढ़कर हमारा ये जो टॉपिक है ये आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए, कोई प्रश्न है जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं तो बताएं, यदि कोई प्रश्न है तो बताएं।